हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे भले होंगे और आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। तो आज हम एक विषय पर बात करने वाले हैं, हांडी मूठ के बारे में, कि यह मूठ चलाया किस प्रकार जाता है और यह मूठ कितने दिनों का होता है और कितने दिन में यह कार्य कर जाता है। तो देखिए, इसमें होता क्या है हम आपको बता देते हैं। सर्वप्रथम ये जो मूठ है और ये जो क्रिया, हम एक क्रिया क्या आपके सामने, ये क्रिया तो नहीं बता रहे हैं, ये कैसे चलाया जाता है ये बता देते हैं आपको। क्रिया नहीं बताएंगे अभी, क्रिया किसी अगले वीडियो में बताई जाएगी। देखिए, हांडी मूठ को चलाने के लिए सर्वप्रथम इसको देखिए, या तो शमशान में से चलाया जा सकता है या तो कब्रिस्तान में से, दो ही जगह से चलता है, तीसरा कोई जगह नहीं होती जहां से इसको चलाया जा सके। इसमें देखिए शक्तियों का कौन से प्रयोग होता है। देखिए, इसमें दाकनी, साकनी, बाबा भैरव का और दो तीन शक्तियां, जैसे कि चुहैन वड़ैन भी करती हैं, बैताल बहुत ही तीव्र गति से करते हैं। इसमें इस क्रिया को बैताल बहुत ही तीव्र और बहुत प्रचंड तरीके से करते हैं। इसमें सामग्री क्या क्या ली जाती है? सामग्री देखिए, इसमें मुर्गे की या बकरी की बलि दी जाती है, ठीक है, और इसमें मदिरा दी जाती है, एक आध दो सामान और है उसको गुप्त में रखेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि इस हांडी के अंदर ये सब सामान डालने के बाद उस हांडी को बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद जो भी, जैसे कि भैरव जी का मंत्र हो या बैताल से अगर चला रहे हैं तो बैताल का मंत्र, या डाकनी से चला रहे हैं तो डाकनी का मतलब जिस भी शक्ति से चला रहे हैं तो उसका मंत्र। बस इसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें जो शक्ति कार्य करती है वह शक्ति आपकी वायु लोक से होनी चाहिए, यानी उसका संबंध वायु तत्व से होना चाहिए, पृथ्वी तत्व की शक्ति यह कार्य नहीं कर सकती। तो हुआ क्या कि अब आपको मंत्र का जाप करते हैं, हवन देते हैं, मंत्र का जाप करेंगे, हवन करेंगे, फिर जिसके नाम से चलाई गई है उसका नाम, पता, फोटो उस हांडी के अंदर डाली जाती है या शक्तियों को दिखा दिया जाता है, एड्रेस वेड्रेस सब कुछ दिखा दिया जाता है। जब यह क्रिया कंप्लीट हो जाती है हवन करने के बाद, तो इस हांडी को, शक्ति को थमा दिया जाता है। शक्ति का भोग जो भी होता है, भोग देखिए जो भी होगा उसमें तामसिक होगा, सात्विक कोई भी भोग इसमें नहीं दिया जाता। तो फिर जब यह दे दिया जाता है तो देने के बाद वह हांडी शक्ति के माध्यम से उड़ जाती है, वह शक्ति उस हांडी को लेकर के आकाश में उड़ जाती है। उस हांडी के मुंह पर एक दीपक भी रखा जाता है, बड़ा सा, सरसों के तेल का या चमेली के तेल का, या आप समझ लें कि आपके नीम के तेल का, ये सब एक दीपक भी रख दिया जाता है उसके मुंह पर। अब ये हांडी शक्ति लेकर के उड़ गई। अब यह शक्ति क्या करेगी, जिस भी दिशा में मतलब आपका शत्रु रहता है या जिसके नाम से चलाई गई है उस दिशा में जाएगी, जाते जाएगी, फिर वहां जब पहुंचेगी तो वहां पे हर एक क्षेत्र के क्षेत्रपाल होते हैं। तो साधक क्या करते हैं या अगुवाई क्या करते हैं कि उस क्षेत्रपाल को, वहां की जो देवी होती हैं, उस क्षेत्र के क्षेत्रपाल जो हैं, उन क्षेत्रपालों को पहले ही भोग दे करके मना लिया जाता है, ताकि जब इनको चलाया जाए तो ये हांडी मूठ जो है यह रोक ना पाए, कोई रोक नहीं पाएगा। तब फिर ये अब अंदर घुसी, अब क्षेत्र में प्रवेश कर दी, यानी क्षेत्रपाल को मना करके भोग पहले ही दे दिया जा चुका है, तो अब यह क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती है। क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने के बाद फिर क्या होता है, फिर अब जिस, जैसे कि मान लीजिए जिसके भी कुल में, जिस भी कुल का व्यक्ति है, यानी किसी भी कुल के जो कुल के देवी देवता होते हैं, उसके जो भी कुल के देवी देवता हैं, उनके कुल के देवी देवता को अब बंदिश किया जाता है। ये सब क्रिया मतलब हांडी उड़ाने के पहले ही उनको बांध लिया जाता है, या उनको मंत्र से अभिमंत्रित करके या कुछ भी करके, मतलब अपने तरीके से सब लोग करते हैं। वैसे ज़्यादातर तो हमने देखा है कि लोग बांध लेते हैं। तो बांधने के बाद अब वह कुल में प्रवेश कर गई, अब प्रवेश कर गई, अब उसको रोकेगा कौन? अब बचा उसके इष्ट और पितृ, पितरों का भी बंधन कर दिया गया। अब बचे उसके इष्ट, उनके इष्ट को भी बांध दिया गया। अब वह व्यक्ति हो गया अकेला। अब यह हांडी मूठ उसके ऊपर गया और जा करके अपना असर दिखाया, 24 घंटे के अंदर अंदर में आदमी हो गया समाप्त।
और यह मूट उसके घर के ऊपर गिरता है। यानी कि वह व्यक्ति कहीं भी हो, जैसे कि घर में है तो घर में गिरेगा, या कहीं खेत वेत में सोया हुआ है तो खेत में ही उसके गिर जाएगा, और गिरते के साथ यह जो है हांडी फूट जाती है। अब जहां हांडी फूटी, समझ लीजिए कि मारण उस व्यक्ति के ऊपर लग चुका है। इसको रोका तभी जा सकता है यदि यह आकाश में ही हांडी हो, तभी इसको रोका जा सकता है। अगर वह हांडी जमीन से टच हो गई, जमीन पर टच होने के बाद वह हांडी गिर चुकी है, फूट चुकी है, तो इसको रोकना एक तरीके से कह सकते हैं कि असंभव हो जाता है। ये तो नहीं कहेंगे कि एकदम रोका ही नहीं जा सकता, लेकिन असंभव का बात हो जाती है। बहुत ही विरले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रोक सकें, बहुत ही कम वैसे व्यक्ति होते हैं जो हांडी मूट को रोक पाए। तो वह आकाश में जब तक है तब तक तो उसको रोकना संभव है, बाकी वह हांडी गिर गई और फूट गई तो उसे रोकना असंभव वाली बात हो जाती है। लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि रुकता नहीं है, रुकता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, यह सब सारी जानकारियाँ थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मूठ कैसे चलाई जाती है, मूठ क्या होता है। तो मूठ का मतलब होता है मारण, किसी के ऊपर मारण करना। मारण क्रिया भी बता दी गई कैसे की जाती है, क्या होता है, यह सब चीज़ें शायद आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होंगी कि कैसे क्या किया जाता है, और आपको कुछ ना कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। इसी के साथ चलता हूँ साधकों, फिर किसी अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। अभी के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।